अमर अब्बासी और उसके साथ बहुत से लोगों पे करनी है गरम गरम रोस्टिंग। हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम। आई होप इट्स हैप्पी हेल्दी विद योर फैमिली। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग यू पर्सन माय होम, ब्रदर सिस्टर गर्ल बॉय एंड एवरीवन। थैंक यू सो मच बटर माय हार्ट माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, एंड थैंक यू सो मच उन सिस्टरों का जो आती है, प्यारे प्यारे मैसेज करती है, ठोक ठका कर जाती है, दिल हो जाता है हैप्पी। ओ हैप्पी, आज बहुत सी बातों पर बातें निकलेंगी। पहले हम जी सुनेंगे और उसके बाद बात करेंगे। जाने मुझे इन चीजों से बिल्कुल लगाव नहीं है, ना ही दिलचस्पी है, लेकिन बात जो है ना वो फिर आ जाती है यूट्यूब पर ऐसी ऐसी बातें जो जो इंसान से बर्दाश्त से बाहर होती हैं, तो उसे जो है ना थोड़ा बहुत जो है ना किसी को कल्याण या किसी की सपोर्ट में बात करना वो जरूरी होता है। तो अभी जो है ना वाई टी पे हमारे जो रिश्तेदार हैं कोई, तो मैं उन सब यहाँ पर कट कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई देखें आपके जो भी अपने मामला हैं, ठीक है, मैं आप सबसे बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपने मामला को जो है ना अपने हदूद तक ही रखें। सबसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ, ठीक है, ये देखें ये आदमी इतना अच्छा, इतना शरीफ, पाक, साफ, नीट, क्लीन, डायपर, लंगोटी, कच्चा बनियान सब कुछ पहन पहना कर, सूट बूट पहन कर आकर बैठ कर, जी शलवार कमीज बैठ गया। बीवी ने कहा उठ खड़ा हो, जो मैंने कांड किया है उस कांड को जाकर जल्दी से क्या सरफ या फिर शैम्पू या फिर सोटा या फिर जिस कपड़ों से साबुन से कपड़े धोती वो साबुन लेकर जा और बैठ जा और दे छकासो, छक्का साफ कर दे सारा सपोर्टरों के दबावों में से, निकाल दे वो कि ये आवाज मैं नहीं उन लीको की, नहीं मैंने सल्लू को दी, ना मैंने रिकॉर्डिंग की और ना ही मैंने दी। ये वो आदमी है फारूक यासीन, तो मैं नहीं कहूंगी फारूक मैं कहूंगी। अगर इसको अपनी माँ का दूध का कर्ज अदा करना होता तो ये बंदा उस दिन आता जिस दिन इसके साले ने इसकी माँ की सेज सजाई और उसके ऊपर सोकल लाने की बात की थी और कहा था इस एज में दोनों मियां बीवी को एक बेड पर होना चाहिए, सर्दी होती है, सर्दी में मियां बीवी एक दूसरे को गले मिलते हैं, जफ्फियां पप्पियां करते हैं, कुछ ना भी करे कम से कम क्लोज तो होते हैं। इस तरह की बगैरती, इस तरह की गलाजत, इस तरह की बात सल्लू ने अपनी लाइव में बैठकर की थी, जहां पे उसने कहा अगर ये बाजी नहीं वापस आती मेरे बाप के पास तो मैं अपने बाप को ऑफर देता हूं, मैं तेरी दूसरी शादी भी कराऊंगा, उसके साथ साथ जो मेरे पास जायदाद है, जमीन है, घर है, जो भी है मैं उस माँ के नाम करूंगा, एक बार तू हाँ हाँ बोल। उसके बाद जो छचुंदर उसका दोस्त उसकी बगल में बैठा हुआ था उसने कहा एक बार अंकल हाँ तो बोले, यहाँ पर लड़कियों की लाइन लग जाएगी। उस लाइन में उन्होंने नाम लिया था मुल्तानी, मुल्तानी। बार बार उस आदमी ने सल्लू ने कहा और कहा हाँ हम मुल्तानी को अपनी माँ बनाएंगे। इतनी गलाजत, इतनी गलाजत, इसका साला बगैरत जलील, ऐसे लोगों को तो कुत्ता कमीना भी कहे तो उन लोगों के लिए लफ्ज जो हैं बहुत कम होते हैं। तब ये फारूक इसकी गैरत, इसकी इज्जत, इसकी शर्म, इसकी हया सब बेच बाज कर ये उस टाइम छिल्लो छिल्लो कर चौंकड़ा मार कर बीवी की बाहों में बैठा हुआ था, तब ये बाहने निकला। आज जब इसकी बीवी का कांड निकला बाहर आया, लोगों ने इनको छत्रोल की, लोगों ने इनको अनसब्सक्राइब किया, तो ये दोबारा आ जाता है, आकर हाथ जोड़ता है, कहता है तुम्हारी भी बच्चियां हैं, तुम्हारी भी बच्ची है और मेरी भी बच्ची है, इसकी शादी होने दो, इसमें रोड़े मत डालो।
तो इस आदमी से ये पूछा जाए, तुम्हारी बीवी के पछुआड़े में जाकर किसने डंडा दिया कि वो आकर इस तरह की आवाजों को लीक करवाए अपने भाई के हाथों, और इसका भाई जो एक नंबर का बगैरत शोरबा पीने वाला है, वो अपनी बहन के पीछे लग जाता है, लाइवो में बैठकर सारा यासीन को टारगेट करता है, उसकी माँ को टारगेट करता है, इवन के भाई सल्लू जो नाम का आदमी, जो इसका साला बगैरत जो है, वो इसको भी टारगेट, इसकी जो असली माँ है, जिसने उसको पैदा किया है, जिसने पेट में रखा है 9 महीने पेट में रखकर, सब कुछ खून पी हर चीज खाना वाना अपने पेट में रखकर इस आदमी को फारूक को पिलाया। इस दिन के लिए क्या पिलाया था माँ ने, कि जब मेरे ऊपर तेरा ये जो साला बगैरत है मुझ पे कोई बात करे तो तूने चुप रहना है, जिप कर लेनी है, खामोशी से बैठ जाना है और बिल्कुल भी आकर नहीं बोलना जो इसने वो किया अपनी बीवी के कहने पर। आज ये बैठ जाता है, हाथ जोड़ता है और कहता है शादी होने दो, तेरी बीवी के तो पछवाड़े में वैसे ही चमूने और बग्स और पता नहीं क्या क्या उसको चूंटियां लड़ती हैं, सफाई तो वो करती नहीं है, ये भी अंदर की खबर है ना फारूक, इसलिए उसमें से इतनी गोबर की स्मेल आती, तेरी गोबर की स्मेल आती है कि बार बार ट्यूबवेल पे जाके टुइयों को साफ करती है। वाह ठोका ताली, ये है भाई सितारा यासीन की भाभी और ये है सितारा यासीन का भाई फारूक। माँ के लिए आवाज नहीं उठानी, माँ का चीर फाड़ किया जाए जो शबनम नाम की औरत करती है, सलमा करवाती है, लेकिन बीवी पर कोई आवाज उठाए या बीवी पे कोई उंगली उठाए तो यह निकलता है बिल से और आकर बैठ जाता है ठप कर कर, और बीवी कैमरा लेकर खड़ी हो जाती और यू यू करती और ठोक बोल ठोक बोल ठोक बोल, तू अभी ठोकेगा बोलेगा मैं तुझे रात को ठुकवाऊंगी बड़े मजे से, आह ठोको ताली। ये है इनकी बगैरती, ये है इन लोगों की जलालत। माँ तो किसी खाते में नहीं है, माँ को तो जोर जबरदस्ती कर कर बुला तो लिया पंजाब, किसके लिए, बाप के लिए। बाप को देखा जाए पिकनिक हो रही है ना जी, पिकनिक किसके साथ हो रही है, नीनजमा है ना, चाची ठीक हो गया, उसके साथ कौन है, आयशा, वो आयशा जिसका बड़ा ही प्यारा रिश्ता है जिसके साथ है ना जी, उस रिश्ते को लेकर भी बहुत सारा हगामा, बहुत सारी बातें, बहुत सारे कट्टे चट्टे बट्टे सब सामने खुलकर आ चुके हैं। कैसा बगैरत भाई है, पहले बड़ी बहन आयशा के मिये पे डालती है डोरे, बाद में कहती है दिल के छोरे अच्छा एक बार दे दे मुझे कुल्फा, लेकर हो जाऊंगी ठंडो ठंडी, और जब मिल भी जाता है प्यार मोहब्बत चाहत सब कुछ हो जाती है, उफ उफ उफ, उसके बाद चूस चचा कर फेंक दिया जाता है आयशा की झोली में जी गाइस, और फिर आयशा जो मस्त मलंग जो किताई डरा दिल तंग जो किताई ले लेती है मिये को अपनी गोदू में जी जी जी, ये वही आयशा बगैरत है जिसने अपनी सोकन का घर खराब किया, सोकन सलमानी, सलमान ने तो खाली मजे लेकर उसने इंजॉयमेंट की, और उसके बाद इंजॉयमेंट करने से पहले जो आप लोगों को पता है कौन था जी, ठोको ताली खालिद अमीन से जब उसका दिल भर गया तो सोचा चलो इधर भी जरा चखो यहाँ का कैसा है केला, थोड़ी शुगर थोड़ी हनी थोड़ी आइसक्रीम, ओ आम जी, अब नजो ये तू अपने मिये पे ना करना, हाय सियापा मैंने क्या इसको बता दिया ये मत करना, वैसे भी तू बाहर की वीडियो देख देख कर ना तुझे ब्रॉडर शेयर करती है, अब ये जो मैंने कह डाली अब तू ये ना मेरी बहन कर बैठी, पता लगे जी कुल्फा भी आइसक्रीम के अंदर जम गया है, ना वो इधर हो रहा था ना वो उधर हो रहा, तो वो कहेगा हाय सियापा तूने ये क्या कर दिया है, वो बेचारा ना इधर करेगा ना उधर करेगा,
तो जरा सोच समझ कर कुछ करना, क्योंकि तुम वैसे भी कॉपी कैट हो। जैसे सितारा ने घर में कैट रखी, तुम भी कैट ले आई। सितारा की कैट उसके अगर बेड तुम्हारी भी चलती, सितारा अगर उसको खाना देती है तो तुम भी देती, तुम पूरी कॉपी कैट बन चुकी हो सलमा की तरह, जिस तरह सलमा ने खालिद अमीन को खा पी के चूसे चास कर फेंक दिया, फिर आयशा के हस्बैंड को पकड़ लिया, उसके बाद फिर जब उसका दिल इस आमड़ू से भर गया तो उसके बाद उसने लाकर आयशा की गोदू में फेंक दिया, और आयशा की गोदू इतनी मोटी ताजी है ना, हाय हाय हवा हवाई इतनी थी कि उसमें वो ब्राम से चूजे की तरह, चूजा है भी चूजा, आप लोगों को तो पता, आप लोगों ने देखा बिल्कुल ही चूजा चूजा है, लेकिन चूजे का दूसरा चूजा बड़ा तेज है जो आयशा को बड़ा ही अच्छा लगा। लेकिन ये ऐसे बगैरत भाई हैं कि उस बहन से दोबारा मिलते हैं जिसका पहले बड़ी बहन ने रखा बॉयफ्रेंड, पे दूसरी ने रखा, पे शादी की, पे घर खराब किए, अब ये वही बगैरत मियां बीवी बन चुके हैं नजमा और फारूक, जहां पर अभी सलमा को बुलाने की पूरी प्लानिंग छकासो छकास, हम तो कब से पीट रहे हैं, रो रहे हैं, बोल रहे हैं कि उसको बुलाया जा रहा है। अगर कुछ लोग ये कहते हैं कि जी फारूक ने सितारा को बुलाया और जी नजमा है वो उसको बुला रहा है, बुला रही है, और जहां पर आकर अगर हम अगर देखे इनको, ये कहते नहीं बुलाया नहीं बुलाया नहीं बुलाया, लेकिन लाइवों में आकर वो तो बैठ कर बोला और मैं आऊंगा, और पुटना है जो पुट लो और जो करना है कर लो। अब ये देखना है कि अगर पूटा जाएगा तो कुल्फा कौन से थानी जाएगा, उसको कौन से नुकरों में फेंकेंगे, ये तो समझ ही नहीं आई, ये तो बता के जाता भाई कि कौन से वाले में फेंक, कौन कूट लेंगे ना उसको, अब पूटा तो जाएगा नहीं है ना, आवाजें निकलेंगी तो पूटने से अच्छा उसको काट ही देंगे, खतने कर देंगे सीधा, ले दस मैंने और इजी कर दिया, खतने कर देंगे तो उसको काट के कहीं सी नुक्कर वुक्कर में दबा देंगे ताकि वो दोबारा से जिंदा ना हो सके। तो जी ऐसा बगैरत खानदान है। फारूक आ गया मैदान में लुटिया डालता हुआ, बैठ गया वही बगैरती, हम रिएक्शन नहीं देंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, हम पे वीडियो मत बनाओ, हम पे ये मत करो, और हम और बस कर दो, और तुम लोगों के आगे हम हाथ जोड़ते हैं, बस कर दो, लोगों को कहते हो व्लॉगिंग करो तो खुद भी करो, और तुम्हारा चैनल कुकिंग का है, कुकिंग बनाओ, खाओ, बनाओ, दिखाओ, सड़े हुए फूड दिखाओ, या फिर अपनी बीवी का पछवाड़ा जाके दिखाओ, जैसे बीवी आज इसकी बीवी कहती है तुम्हारा दिमाग खराब है। वाह, पहली बार सुना कोई बीवी इतना प्यार करती हस्बैंड से कहती है तेरा दिमाग खराब है। जी जी, जिसने आज अपनी वीडियो में कह दिया अपने हस्बैंड को तेरा दिमाग खराब है। हस्बैंड और वाइफ ने वहां पे किया झूठ झूठ की लड़ाई, लेकिन जो आवाज उसकी निकली ना, नी नजमा की आवाज निकली उस चुड़ैल की, वो सच्ची आवाज थी उसकी दिल की, कि तेरा दिमाग खराब है फारूक, तुझे जो मैं कह रही हूं तू सुनता नहीं है। फारूक ने रटन में जवाब दिया, तू अपनी जिद कर लेकिन मैं भी अपनी जिद करूंगा, ये जिद कर और करूंगा मींस मैं बुलाऊंगा सितारा यासीन को और तू बुला रही है असगर को, तो हम दोनों जिदों पे रहेंगे, पर उस जिद में इनकी बच्ची पीसी जाएगी। जिन्होंने भी जारी बता, आप लोग सब उनकी वीडियो देखते हैं, वैसे आके कह देते हम नहीं देखते, सब देखते, सब पता है, लेकिन आप लोगों ने क्या वो बातें इन लोगों की नोट की, जिद ना कर जिद करूंगा, पर उस जिद में वो भी आएगा, सितारा भी आएगी और बीच में इनकी बच्ची पीसी जाएगी। जारी बात है, ये ऐसे माँ बाप है बच्चों की जिंदगी मुस्तकबिल अपने हाथों से खराब कर रहे हैं, ये ऐसे माँ बाप है, लेकिन वो गार्बेज, वो गटर का भरा हुआ, वो लाके लोगों पर डाल रहे हैं, सितारा यासीन पर डाल रहे हैं, अपने गुंडों को, अपनी गुंडियों को कहते हैं कि ऐसी ऐसी सितारा पे बात करो, और इनकी गुंडियां लाइवे करती हैं, वहां पे बैठ के बातचीत करती है, और लाके सारा मलबा जो है वो सितारा यासीन पे डाल दिया जाता है। अभी जब जैसी अब उसकी माँ गाँव पहुंची है, अब देखते हैं जी अब उसकी माँ जब गाँव पहुंच जाएगी उसके बाद उसके साथ क्या होगा। लेकिन हस्बैंड उसका चंगा पला है, झूले भी ले रहा है, खा भी रहा है, पिकनिक भी उड़ा रहे हैं, ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, छिकासो छिकास हो रहा है। लेकिन जी अब ये देखना ऊंट किस करवट बैठता है, अप एंड डाउन, लेफ्ट राइट, लेकिन हम कहेंगे छकासो छकास, ठोक इनको रखेंगे और ठोको ताली। आएंगे नेक्स्ट अपडेट ब्रेकिंग न्यूज रिव्यू एंड रोस्टिंग के साथ, क्योंकि जी यहाँ पे आपको मिलती है सबकी सब, ओए होए होए, रोस्टिंग भी हो जाती है, न्यूज भी दे देते हैं, ब्रेकिंग न्यूज भी हो जाती है, प्योर भी हो जाता है, ठाकी भी ठोकी जाती है, सब कुछ आपको ज़किया क्वीन के चैनल पर मिलता है। चले जी यहाँ पे इनको बोलेंगे छिलो छिल, आएंगे
नेक्स्ट अपडेट ब्रेकिंग रिव्यू एंड रोस्टिंग के साथ, चेक अल्लाह हाफिज़, बाय गाइस।